हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ इज श्वेता झा। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपके बच्चे कम उम्र में रिलेशनशिप में आ गए हैं तो माँ बाप को भाई बहन को कैसे हैंडल करना चाहिए। सी आई एम नॉट ए गाइडर, ठीक है, मैं जो भी बोलती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मैं जो देखी रहती हूँ मैं उस पे बेसिस पे बोलती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मानिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा भी कोई मोटो नहीं है कि इससे मुझे बहुत आगे कुछ करना है। मेरा मोटो क्लियर है कि मेरे पास जो नॉलेज है मुझे लोगों को शेयर करना है, उससे अगर एक भी इंसान को भला हो जाए तो बस वही मेरे लिए सब है, एंड दिस इज नॉट माई अर्निंग सोर्स। तो अगर आपका बच्चा, अगर सोचिए अगर मेरे बच्चा अगर 9-10 में, या शायद जब मेरा बच्चा होगा तब शायद वो सोचेगा 5-6 में अगर रिलेशनशिप में आ जाता है, ठीक है। आजकल का तो बहुत सारा ऐसा होता है रिलेशनशिप, हियर आई मीन्स दैट मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, प्यार वाला, और जिसमें बच्चा लोग सोचने लगता है कि अभी अगर मम्मी पापा ने नहीं मान लिया तो शादी कर लूंगी। सी ये कंडीशन कब आता है कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो मैं भाग के शादी कर लूंगी या हम भाग के शादी कर लेंगे। ये चीज को बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पेरेंट्स का ही लू फॉल्स रहता है। नाउ यू कैन से मी हाउ, देखिए अगर आप अपने बच्चे को कोई भी काम करने के लिए मना करेंगे, वो चाहे 10 साल का हो, 2 साल का हो, 20 साल का हो, 40 साल का हो, क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हैं, तो आप उसको जो भी काम करने के लिए मना करेंगे वो कभी एक बार में नहीं मानेगा वो, बल्कि बच्चे में वही आदत होता है, बल्कि वो काम वो करने का कोशिश करेगा, करके देखते हैं। अगर मम्मी पापा को गलत प्रूफ कर दिए, ये जब मैं भी बच्ची थी मेरे में भी था, ऐसा नहीं कि मेरे में भी नहीं था, सब मेरे में अभी भी है कि अगर देखूं तो पापा को गलत प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकती हूँ, बट आई वॉन्ट दैट ऑल दोज थिंग इन अ राइट वे, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर आपके बच्चे को अगर आप मना करेंगे कि तुमको इस लड़का से नहीं माना बात करना है, मैंने ये अपने लाइफ में देखा है जिसका मम्मी पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उन्हीं के बच्चे ज्यादा गलत काम करते हैं। आई एम सॉरी टू से इफ आई एम हर्टिंग एनीवन फीलिंग्स, ये मैंने खुद देखा है। मेरी एक दोस्त थी जिसकी मम्मी उसको पढ़ने के टाइम देने जाती थी, पापा जान पढ़ना खत्म होने के बाद लेने जाते थे, लेकिन आप शायद बिलीव नहीं करेंगे उस मेरे वो दोस्त की बहुत सारा बॉयफ्रेंड था, एंड आई एम नॉट सेइंग कि शी इज डूइंग रॉन्ग थिंग। अगर आपको एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है, अगर आपको यही भरोसा है कि मेरा बच्चा गलत काम करेगा तो ऑब्वियसली वो तो आपको भरोसे पे काम आ रहा है। सी अगर आपका बच्चा, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, मेरे बच्चे अगर बोलेगा कि मम्मी मैं इससे प्यार करती हूँ, या मुझे किसी और से पता चलेगा, पहली बात तो कोई बच्चा बोलता नहीं है, मुझे किसी और से पता चलेगा कि मेरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा किसी और के साथ डेटिंग वेडिंग कर रहा है, रिलेशनशिप है, तो पता है मैं क्या करूँगी। अगर मेरे बच्चा 9-10 में है एंड एज ए पॉजिटिव मॉम दैट, पता है मैं क्या करूँगी, और मुझे लगता है यही सबको करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा आके बोल रहा है, आपको पता चला है, बच्चे को बोलो भाई अरे तो रिलेशनशिप में आए हम लोगों को बताया तो नहीं, ऐसा नहीं तभी स्ट्रिक हो जाना है, मना करोगे तो वो काम पक्का कर लेंगे, वो मारोगे तो भाग के शादी कर लेंगे वो लोग, तो उसको बताओ कि अरे मिलाया क्यों नहीं, चलो मिलते हैं फिर वो, क्योंकि अगर आपकी बच्ची बच्ची है तो वो लड़का भी बच्चा ही होगा मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम सिनेरियो पे, तो वो बच्चा को भी बुलाओ, ठीक है, उन दोनों को बुलाओ, फिर दोनों को मिलाओ और बोलो भाई देखो हम लोगों को तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, तुम लोग अच्छे से कामयाब बनो, फिर तुम लोगों को हम लोग शादी करवा देंगे, तो हमें तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि तब आपकी बच्चा या आपकी बच्ची सोचेगी यार मेरी मम्मी पापा को मेरे पे इतना भरोसा है, मुझे ये भरोसा नहीं तोड़ना है। यू नो भरोसा इज द समथिंग कि जहाँ पे लोग बहुत सारे गलत काम करते करते भी रुक जाते हैं दूसरे का भरोसा को ठेस नहीं पहुँचाने के लिए। अगर आप यही सलूक करते हैं ना तो वो छुपने छुपाने का नहीं रहेगा, और पता है जो चीज छुपने छुपाने का रहता है ना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब तक हम किसी को नहीं बोलते कि आई लव यू तब तक हमारा जो फीलिंग्स रहता है ना टॉप लेवल का रहता है, लेकिन जब हम बोल देते हैं तब हमारे फीलिंग्स लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो जब हमको पता चल जाए कि हमारे बच्चा या बच्ची रिलेशनशिप पे आया है, देख इट वेरी पॉजिटिवली। देखिए आज का जेनरेशन में ये बहुत कॉमन है, अगर वो पढ़ने जाएगा
तो 10 लोगों से बात करेगा और करने से ये होगा, और इसमें कुछ खराबी भी नहीं है अगर आप देखा जाए तो, ये एक माइंड इम्प्रूवमेंट है। हाँ, अगर चीजें अगर फिजिकल तक नहीं आता है और गलत बंदों के साथ आता है, अगर गलत बंदों के साथ भी आता है तो आपने तो अपने उस बच्ची का बॉयफ्रेंड को बुला लिया, फिर आप बोलो कि देखो भाई ये लड़का में ये लूपहोल्स था, मेरे मेरे एज ए गार्जियन मेरा 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको बताना कि ये है, इसका रियलिटी ये है, मैंने उसको देख के इतना समझा। अभी आगे तुमको जो करना है तुम वही करो, हम तुम्हारे पीछे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मली बोलते हैं तो आई डोंट थिंक कोई बच्चा जिद पे आके भाग के शादी करेगा या कोई बच्चा अपने मम्मी पापा का एगेंस्ट जाएगा। बी लाइक ए फ्रेंड यार, डोंट लाइक टू बी लाइक ए पेरेंट्स। जब आप बच्चे थे तो क्या आपको अच्छा लगता था वो पेरेंट्स वाला बिहेवियर हमेशा? नहीं ना, कभी कभी आपको भी लगता था ना कि यार मेरे पेरेंट्स अगर मेरे दोस्त होते तो कितना अच्छा होता। आई एम वेरी लकी, आई फाइंड दैट मैंने शायद पिछले जन्म में बहुत कुछ उनका काम किया था कि मेरी मम्मी पापा दोनों ही ऐसे हैं। शायद मैं आज आपको जो ये बात बता रही हूँ उसको मैं इसी बेसिस पे बता रही हूँ। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि डोंट बी सो स्ट्रॉन्ग, डोंट बी सो स्ट्रिक्ट, बी लाइक ए नॉर्मल यार। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, दे आर किड्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। आप पीछे खड़े रहिए, आप किसी को रोकिए मत, रोकने से करने का इच्छा बढ़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें इच्छा कमे तो उसको रोकिए मत, उसको बोलो ठीक है तुम जो कर रहे हो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज थिंग दैट आई दैट इज माई पर्सनल सजेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।